चुनावी माहौल की गर्मी बढ़ने लगी है। नेता लोग चुनाव लड़ने की जिज्ञासा लेकर आला कमान के दरवाजे पहुंचने लगे हैं। प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा जेजेबी पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पानीपत ग्रामीण से देवेंद्र कादियान का नाम पहले स्थान पर है। शुक्रवार को टिकट की घोषणा के साथ ही जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। वहीं कादियान ने कहा कि जिस प्रकार से लिस्ट में पहला स्थान है, उसी प्रकार से ग्रामीण विधानसभा की सीट भी पहले नंबर पर जीतकर दुष्यंत चौटाला की झोली में डालेंगे। चलिए आगे दिखाते हैं देवेंद्र कादियान ने आगे क्या कहा। देखिए, कंपटीशन किसी से नहीं है। पानीपत ग्रामीण की जनता, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ है और हम विजयी होंगे। और पहली टिकट जो अनाउंस की है आज जननायक जनता पार्टी ने, पहले नंबर पे, हम पहले नंबर पे ही उनको सीट जीत के भाई दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालेंगे। देखिए, मुद्दे अनेक हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियाँ जो हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रजिस्ट्री का है, डेवलपमेंट चार्जेज का है। जो कॉलोनियों के डेवलपमेंट चार्जेज है वो 300 से 350 है, जो शहरों का जो डेवलपमेंट चार्जेज है वो 120 रुपये का है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। गरीब आदमियों के साथ इतना अन्याय जो कर रही है सरकार, मैं समझता हूँ ये गलत है। दूसरा, आज पानीपत में देखो या किसी भी प्रदेश में देखो, जो काला कानून इस बीजेपी सरकार ने लागू करने का काम किया है, चलानों को लेकर देखिए कितने साथी परेशान हैं, जिनकी बाइक जो है 5,000 की या 10,000 की या 20,000 की, उनके चलान 40,000 के हैं। लोग परेशान हैं, हाहाकार मची हुई है। हर दिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इस प्रदेश में, और हमारे पानीपत में तो खास तौर पर आए दिन आप निगम में देखते रहते होंगे, कभी स्ट्रीट लाइट घोटाला, कभी पार्क घोटाला, कभी सड़कों का घोटाला। और हम तो गिराव करते करते हैं, बीजेपी के खुद लोग भी आपस में बताते रहते हैं कि आज ये घोटाला हो गया, आज ये घोटाला होगा। तो बहुत सारी अनेक ऐसी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। 5-5, 6-6 महीने तक बिजली के बिल आते हैं, गरीब आदमी भर नहीं पाता है, सरचार्ज ज़्यादा है, जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे प्रदेशों को देखते हुए हरियाणा के रेट जो है बिजली के ज़्यादा है, आसपास के पड़ोसी राज्यों को देखते हुए। हम ये भी जननायक जनता पार्टी काम करने करेगी। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को जो बुढ़ापा पेंशन है वो 55 साल की एज में देने का काम करेगी, पुरुषों को 58 साल की एज में देने का काम करेगी। स्वच्छ पानी का आरओ का हम पूरे प्रदेश में, और कॉलोनी हो चाहे गांव हो, हम आरओ का पानी मुहिम कराएंगे, ताकि हमारे जितने भी नागरिक प्रदेश के और पानीपत ग्रामीण के जिले के जितने भी हैं, सबको स्वच्छ पानी दिया जाए। और सीवरेज का काम, जो सबसे बड़ी पेंडिंग हमारी कॉलोनियों में सीवरेज की है, वो हम सीवरेज बिछाने का काम करेंगे, और बड़ी पाइपलाइन जो मोटे जो पाइप है उनके तहत उनको लगाने का काम कर रहे हैं। अब बीजेपी में देख रहा था, पिछले कॉलोनी में डाल रहे थे, बहुत ही छोटे और बहुत ही पतले पाइप उन्होंने डाले हैं, जिससे जो भी एक भी पॉलीथीन दो पॉलीथीन अगर उसमें गए तो वो बैक मार के लोगों के घर में वापस घुस जाएगा पानी। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी गलत कर रही है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो हम जनता के साथ लेके चलेंगे। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि जननायक जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, कंपटीशन किसी से नहीं है। कंपटीशन तो जब चुनाव में जो कैंडिडेट आएंगे पता लग जाएगा, आप लोगों को भी पता लगेगा, जनता को भी पता लगेगा। हमारा कंपटीशन अभी फिलहाल किसी से नहीं, कोई मैदान में आएगा तब देखेंगे कंपटीशन किससे। अब तो हम सबसे पहले हम ही कैंडिडेट हैं, तो हम जनता के बीच में जाएंगे, और सबसे पहले मैं शिवा गांव में जाऊंगा, अपने गांव का आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद हमारा गढ़ी पंचगामा जो है पंचगामे से शुरुआत करके हम उसके बाद फिर हम कॉलोनियों में घुसेंगे, और 17 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी पानीपत ग्रामीण की मीटिंग लेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।